चैन सेट मतलब ये डिब्बा है, ये रोल ऑन का है और देख सकते हो तुम। बाकी प्राइस वगैरह पीछे लिखा है, इस पर दिखाता हूँ। वो रहा गोल्डन चैन सेट और ये रहा डब्बा। इतने कुछ का पड़ा है हमें 42.92 का। और ये चैन सेट है भाई जी, देख रहे हैं एक लगेगा कैसे, क्योंकि तो इसमें लॉक नहीं है, लॉक वाला सिस्टम नहीं है जो लॉक निकाल के लगा दे। तो अभी देखते हैं क्या देख रहे हैं वो, कैसे लगता है क्या नहीं लगता है। तो चलो, और ये चैन सेट है इसका, तो दोनों लगे हैं, भाई भी लगे हैं और ऑन भी लगा हुआ है। टायर निकालने में उन्होंने मरघाट पकड़ा हुआ है, क्योंकि दिक्कत बहुत आती है। और देखो क्या जुगाड़ कर रखा है, पैडॉक तो है नहीं इसलिए तो निकल चुका है यहाँ पे टायर। हाँ निकल चुका है गाइस। और इस साइड के स्टिकर देखो, देख रहे हो पूरे स्टिकर से भर रखी है इसने गाड़ी। और ये देखो तुम टायर, टायर निकल चुका है इधर से, अब लगने वाला है। अब चैन साइड निकालेंगे वहाँ से, तो देखते हैं कैसे कैसे लगता है। स्मूथ हो गई, मजा आ रहा। फुल चैन सेट सही है ना, मतलब गाइज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी मस्त हैं, और आज बारिश का मौसम हो रहा है तगड़ा वाला, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं पवन की गाड़ी में चैन सेट डालने के लिए, इसका चैन सेट पूरा ख़त्म हो चुका है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये रही गाड़ी और इसका चैन सेट पूरा ख़त्म हो रखा है। तो अभी पवन के फ़ोन से ही कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, क्योंकि मैं अपना सेटअप लेके नहीं आ रखा हूँ। तो अभी निकल रहे हम, 2 हफ्ते बाद शायद चैन सेट मंगाया था हमने। और अभी पवन से पूछूंगा, पवन बताएगा कि कौन सा मंगा रखा हमने और कौन सा फिट आने वाला है जाओ में। इसमें थोड़ा लगाना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो देखते हैं। आज व्लॉगिंग भी पवन के यहाँ से हो रही है, मेरी बाइक यहीं अंदर है, तो मेरी बाइक जब निकाल के वो भी दिखाऊंगा। तो अभी हम निकल रहे हैं शॉप पर और चेंज कराते हैं, बस बारिश ना हो यार। तो चलो पवन को आने देते हैं, वो अभी अपना प्रोटीन पी रहा है, प्रोटीन शेक, यू नो बॉडी बिल्डर आदमी। देखो कितना अजीब सा लग रहा है ना इसका प्रोटीन, ये भर के पिएगा अभी, बॉडी बिल्डर आदमी है यार। और ये रही अपनी गाड़ी, जिसके यहाँ पे भी लीकेज हो रहा है, ये भी दिखाऊंगा अभी, ये भी सही कराना पड़ेगा। और अंदर पंगा कर रहा है बदतमीज। तो अपना प्रोटीन पी रहा है और गाड़ी हो चुकी है यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट। बस यार इसकी ये लीकेज की प्रॉब्लम, ये भी सही करानी पड़ेगी। देखो लीक हो रहा है पूरा यहाँ से। बजाज वालों को ना कमेंट कर देना कि ना ढंग से करा करो सर्विस। हाँ कभी हरिद्वार भागो कभी देहरादून भागो, समझ ही नहीं आता कहाँ जाए। वही तो सही कह रहा। बाकी अपनी गाड़ी और ये चीट अभी तक नहीं मारी हमने। दोनों बाइक यहाँ पे आ चुकी है और इसका कोल्ड स्टार्ट हो रहा है। इसकी चाबी उनके सिस्टर के पास है, तो अभी मिल नहीं रही है, तो अभी देते हैं इसको भी और चलते हैं। बाकी इसकी लुक देखो यार तुम, कितनी अच्छी लग रही है, लग रही है ना, कमेंट करो। और ये पवन की स्कूटी और ये गाड़ी, जिसको गाड़ी सीखनी होगी तो इसमें सिखाते हैं हम, तो आ सकता है जिसको किसी केस में सीखनी होगी। बाकी ये बाइक है और इसमें लगना है चैन सेट। बाकी मेरा ना पीछे का टायर भी ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा ही बचा है, ज़्यादा नहीं है। ये देखो तुम पूरी ग्रिप गायब हो चुकी है। बाकी ये पीछे से ऐसे कुछ दिखती है, ये आ चुका है पवन। चलो भाई तू ही चला ले, इसको चलाता हूँ, ये मैं हाथ से पकड़ूंगा ना ऐसे, वो नहीं थम लेगी ना एक हाथ से तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं। जब उसके आगे से नहीं निकले तो हम वो जो वाला है चौराहा अंबेडकर चौक वाला, तू नहीं होती और तू। हाँ वही, तभी तो कह रहा हूँ एक हाथ से, तो तभी निकल रहे हैं। बाकी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, और इसका नाम तो यहाँ लिखा ही नहीं रखा, पर इसमें भी लिखा देंगे हम चैनल पे। साउंड सुनो गाइस, यहाँ मोहल्ले में गाली खाने के लिए यही है। पूरे तरीके से चैन सेट डाल चुका है और इसके सिर में डैंड्रफ देखा तुमने, कितना डैंड्रफ हो रखा है, डैंड्रफ हो रखा है। अभी देखना जब वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी साउंड सुनो तुम, और इसने ना इतने सारे स्टिकर लगा रखे, बताओ कितने।
एक दो तीन चार पाँच, एनिमल लवर है गाइस, छः सात और उस तरफ और भी है भाई। चलो गाइस चलते हैं चलते हैं, बाकी ये देखो तुम। हाँ 11 कम लगा रखे तूने। अभी हम निकल रहे हैं फटाफट दुकान में, मतलब शॉप में अभी काम कराते हैं इसमें, और वो भी दिखाते हैं। बाकी बाल थोड़ा बिखरे हुए हैं, अभी और बिखरेंगे जाते हुए। चलो निकलते हैं फटाफट मेरा। चलो भाई क्लच में चला रहा हूँ इसे पूरा बिना रेस दिए हुए, और वो आगे जा रहा है पवन, देख रहे होंगे। तो चलो चलता है फटाफट और दिखाता तुम्हें सीन्स। हेलमेट पहन के नहीं जा रहे क्योंकि यहीं पे वैसे जाना चाहिए, पर नहीं जा रहे क्योंकि मैं तो लाया नहीं, मेरा तो रूम पे है, पर वो भी नहीं ले जा रहा है। चलो आगे चलते हैं, तो दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे लगने वाला है। तो गाइस आ चुके हैं मेन रोड पे, जो कि आप लोगों ने देख रखी होगी, अगर साउंड सुनाई दे रही है जावा की, यहाँ तक पटाखे आ रहे भाई। बच्चों के रिएक्शन देख रहे हो, और ये फोन से हो रही व्लॉगिंग गाइस। बाकी आगे जावा जा रही है और मैं एक हाथ से चला रहा हूँ, एक हाथ से मैंने फोन पकड़ा हुआ है। मौसम देख रहे हो पूरा बारिश वाला हो रहा है, बहुत तगड़ा भाई। बारिश होने बारिश ना लगे यार, दिक्कत ही है। ओ भाई साउंड सुना गाइस तुमने, क्या ही तगड़ी भाई। हर बार भी हम पहुंच चुके हैं शॉप में, और पवन लगा रहा है यहाँ पे गाड़ी। तो ये रही गाड़ी, वहाँ पे मेरी बाइक, यहाँ पे पवन की बाइक जिसमें चैन सेट लगना है, और बैग में रखा हमने चैन सेट, तो यहाँ पे लगाने वाले हम। ये देखो तुम, बाकी जस्ट अभी पहुँचे हम, और पवन गाड़ी लगा के वहाँ पे आ रहे हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लग रहा है, अभी 3 बज रहे हैं और मौसम देख रहे हो तुम, बादल वादल लगे तगड़े। और ये रहा पवन, इसमें लगने वाला चैन सेट अपना, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और अभी भैया लोग थोड़ा काम पे लगे हुए हैं, तो जैसे इसका काम स्टार्ट होता है तो दिखाता हूँ आपको, और कैसे कैसे लगना है, कौन सा लगा रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। भाई जहाँ पे खुलने लगी है गाड़ी, और चैन सेट उधर रखा हमने, तो दिखाता हूँ कौन सा चैन सेट लगने वाला है। और अभी खुली रही है गाड़ी भाई, आफत आने वाली है इसमें, बहुत दिक्कत आ रही है। यानी दाता गाइस खुल चुका है, ये देख सकते हो कितनी गंदगी हो रही है। और ये इसका ये देखो, ये भी कितना गंदा हो रखा है। ये मालिक है इसके, मालिक साहब। अभी देखो तुम खुल रहा है पूरा, ये चैन सेट, चैन सेट मतलब ये डिब्बा है, ये रोलोन का है। और देख सकते हो तुम बाकी प्राइस वगैरह पीछे लिखा है इस पर, दिखाता हूँ। वो रहा गोल्डन चैन सेट, और ये रहा डब्बा, इतने कुछ कपड़ा है हमें 42 का। और ये चैन सेट है भाई जी, देख रहे हैं एक लगेगा कैसे, क्योंकि तो इसमें लॉक नहीं है, लॉक वाला सिस्टम नहीं है जो लॉक निकाल के लगा दे। तो अभी देखते हैं क्या देख रहे हैं वो, कैसे लगता है क्या नहीं लगता है। तो चलो, और ये चैन सेट है इसका भाई जी। आ चुके हैं अपनी सोने की चैन, और लगने वाली है, पहले टायर खुलेगा शायद पूरा, है जी खुलेगा ना। बाकी गाइस कुछ भी पूछना होगा तो हनी पहुंची को तुम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं करेगा तो मैं ही कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लगने वाला है, और टायर खुलेगा पूरा, बहुत आफत वाला काम है, क्योंकि इसमें पूरी लटकी हुई है चैन, जूलर की पूरी, और यहाँ गंदा कर दिया, ये तो खैर कर जाती हो जाएगा पीछे के, तो ये दांत घिस गए देख, ये देख रहे हैं डैमेज हो रहा है, देख रहे हैं कटे हुए हैं, देख रहे हैं कटे हुए हैं। और गाइस यहाँ पीछे कर्म भी लिखा है, वाह कर्म तो एक नहीं है इसके अच्छे, पर फिर भी। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखा रखी हैं इनका, इन तो दोनों लगे हैं, भाई भी लगे हैं, और फोन भी लगा हुआ है टायर निकालने में, उन्होंने मरघाट पकड़ा हुआ है क्योंकि दिक्कत बहुत आती है। और देखो क्या जुगाड़ कर रखा है, पैडॉक तो है नहीं इसलिए, तो निकल चुका है यहाँ पे टायर, हाँ निकल चुका है गाइस। और इस साइड के स्टिकर देखो, देख रहे हो पूरे स्टिकर से भर रखी है इसने गाड़ी। और ये देखो तुम टायर, टायर निकल चुका है इधर से, अब लगने वाला, अब चैन साइड निकालेंगे वहाँ से, तो
देखते हैं कैसे कैसे लगता है। टायर देखो कितना बड़ा लग रहा है। सही है यार वो। और यार चैन सेट निकल रहा है गाइस। देखो भाई चैन तोड़ रहे हैं गाइस हम। कोई भी यहाँ से निकलने का कोई सवाल नहीं है। चैन तोड़ने का लिंक तोड़ रहा है। खुलता है उसमें इसमें भी खुलेगा। हाँ सेम प्रोसेस से डलेगा क्योंकि लॉक नहीं है ना उनपे। लॉक में क्या होता है लॉक खोला वो तो फिर इतना कुछ ताम झाम है नहीं। लॉक खोला सीधा निकाल दी चैन खोल गई। इसमें लॉक आता ही नहीं है। हाँ। निकल चुकी है अपनी चेन यहाँ पे। अब नई वाली लगेगी गाइस। भाई बोल रहे हैं काला हो जाएगा। मैंने गाड़ी अपनी तो काला भी सही वही तो लेंगे तो कोई आराम से लीवर तोड़ देंगे लगा देंगे नया। गाइस अभी निकल रही है पुरानी वाली चेन मेरी ना पुलिस होने की। इसमें नहीं है वो क्या अभी डालेंगे कैसे देखते रहना तू सर। क्लीन करके लगाना है वो ये पूरा पहले क्लीन कर देना यार। ये पेट्रोल वॉश हो रहा है क्लीनिंग करेंगे अच्छे से ताकि कोई डस्ट ना बैठे चैन में इसीलिए। बढ़िया करके वॉश हो रही है गाड़ी की गियर मस्त है। तो यहाँ पे नया वाला स्पॉकेट लग चुका है और अभी पीछे वाली चैन का स्पॉकेट खुल रहा है ये वाला और ये वाली चैन डालने वाली है। कितनी बार बता दिया मैंने तुम्हें ये स्पॉकेट नया पड़ा। बाकी हमने क्लीन करा दिया है पेट्रोल वॉश मस्त। ये देखो तुम यहाँ पे पड़ रहा है हमारा नया चैन गोल्डन कलर का सोने का गाड़ी बचा के रखनी है। गाड़ी बचा के रखनी ओ भाई जी क्या करे गाड़ी बचा के रखनी पड़ेगी रात में बोल। वैसे तो पवन के लिए चांदी का सामान आ रहा है। अब चला के देखूंगा मैं पहले कैसे चल रही है। पक्का इसी का चैन सेट है ना बैठ जाती है भाई सही बोल रहा है। लवड़ा बहुत है पर लगाने में कुछ भी बोलो तुम लफड़ा क्या जिसने चैन बनाई है ना सीरियसली उसने भी नहीं देखा कि इसकी ऐसे चलेगी। अगर वो देखा होता नहीं तो लॉक जरूर देखता उसने गाड़ी की चेचिस देखी नहीं होगी उसने ऐसे बना दी बस। और लेने वाले ने भी ऐसी ले ली। लेने वाले ने तो बहुत बड़ा लिया है। लेने वाले ने बल बहुत बड़ा लिया। भाई जहाँ पे लग चुके हैं चैन एकदम फुल फिट। बाकी ये पैनल वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे और एक पैनल यहाँ पे हाँ रखा हुआ पूरा रखे हुए हैं सामान। बाकी ये लगेगा और डन हो चुकी है चैन यहाँ पे। आप लोग भी लगा सकते हो अपनी बाइक पे इसके बाद जाओ होगी क्योंकि कंपनी में बहुत महंगी पड़ती है। तुम इन तीनों को क्या ताग लगा के देख रहे हो और चैन देखो तुम क्या मस्त लग रही है गोल्डन गाइच। हेलो गाइच पवन कितना टाइम लगेगा 10 मिनट। भाई 1 घंटा हो गया यहाँ। स्मूथ हो गई मजा आ रहा। बोल चैन सेट सही है ना मतलब। अरे परफेक्ट भाई बहुत स्मूथ हो रही भाई बहुत स्मूथ। तो गाइस गाड़ी का काम हो चुका है एकदम परफेक्ट और चैन सेट आवाज़ कर रहा था पहले जो अभी नहीं कर रहा है। और बाकी आप लोग भी जिस पास जाओ है चैन सेट डलाना होगा बाहर से तो डला सकते हैं ये वाला। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय। और ये भी खेलने जा रहे हैं और मैं जाऊँगा अपने रूम।